हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम है अजय और फ्रेंड्स आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ आईफोन 7 के बारे में। ठीक है, आईफोन 7 को हम कैसे डिसेंबल करें, ठीक है, और इनके स्पेयर पार्ट जो होते हैं इन्हें कैसे पहचाने और कौन सी चीज़ इसमें कहाँ होती है, और बाकी हम बात करेंगे इसके होम बटन के बारे में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये अभी हमारे पास है आईफोन 7। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, यहाँ से आपको जो आपके जितने भी आईफोन हैं सब में सब कुछ सेम है, तो यहाँ थोड़ा बहुत अलग है जो इसका बैक कैमरा है, थोड़ा सा ये जो ग्लास है बड़ा है, यहाँ फ्लैश लाइट है, यहाँ पे स्पीकर है, सॉरी माइक है, और यहाँ पे जो इसका सिस्टम है एप्पल है, यहाँ पे आईफोन है, इधर यहाँ पे पावर बटन है, सिम ट्रे, यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन वाइब्रेटर, ठीक है, यहाँ फ्रंट कैमरा, यहाँ सेंसर है, यहाँ पे स्पीकर है, ये होम बटन है, यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ एक चीज़ यहाँ पे क्या है, हेडफोन जैक नहीं है। ठीक है, हेडफोन जैक आईफोन 7 में नहीं आता है, यहाँ पे चार्जिंग जैक है और माइक है, और यहाँ पे हमारा रिंगर है। ठीक है, तो ये है हमारा जो आईफोन के ऊपर की बेसिक चीज़ें हैं, ये वो है। तो फिर इससे पहले मैंने आईफोन 6 पे भी बाकी फ़ोन पे भी मैंने बेसिक की जो नॉलेज है मैंने पे वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो आज आईफोन 7 पे आज सीखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि आईफोन 7 को बाहर से दिखने में कौन चीज़ कैसी होती है। ठीक है, तो चलिए अब इसको खोलना सीखते हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो स्क्रू होते हैं, इन्हें पहले खोल लेने। ठीक है, ऑलरेडी मैंने स्क्रू खोल लिए हैं, तो इसे खोल लेने। इसके बाद फिर आपको ओपन ही करना कैसे, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इस फोन को आपको कैसे ओपन करना है। ये थोड़े वाटर प्रूफ फ़ोन होते हैं, ठीक है, वाटर प्रूफ होते हैं, ये सील्ड फ़ोन होते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हर फ़ोन जो भी ओपन होते हैं वो इस साइड से ही होते हैं, यहीं से आपको सारे फ़ोन ओपन करने हैं। लेकिन आपको आईफोन 7 में ये ध्यान रखना है कि जो ये फ़ोन खुलेंगे तो ये इस साइड खुलेंगे, ये फ़ोन इस साइड नहीं खुलेंगे, ये फ़ोन हमेशा इस साइड खुलेंगे। ठीक है, आप ये बात ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा ना हो गलती में आप फर्स्ट टाइम खोल लें आईफोन 7 और आपने गलती से खोला और यहाँ से ओपनर मारा, यूँ उठा दिया, तो इसके नीचे आप केबल होती है फ्रेंड, दो केबल यहाँ होती है टच डिस्प्ले की, तो वो ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ के अंदर आप स्क्रू खोल लोगे तो आपको ओपनर से, ठीक है, यहाँ से आपको एक कोने में आपको ओपनर डालना है। आप फ्रेंड घबराना मत बिल्कुल भी, ये डिस्प्ले टूटती नहीं है ये खोलते वक्त, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती, बस इतना सा आपको गैप देना है। देखिए, ठीक है, गैप दे दिया, बाद में आपको अपना नाखूनों से ओपनर से इसको यहाँ से धीरे धीरे से इसको ओपन करना है, हल्का हल्का सा इसको ऊपर उठाइए। ठीक है, जितना मान लीजिए इतना उठ गया, तो आपको हल्का सा यहाँ से नाखूनों से इसको घिसना है, ऐसे ऐसे घिसते रहिए घिसते रहिए घिसते रहिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से हमारा ओपन हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ से ओपन हो गया। इसी तरह से यहाँ से भी हमें इस तरह से हम कोई बैलेंस बनाना पड़ेगा पीछे, और ऐसे इस तरह से हमें इसे ऐसे ओपन करना है। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हो इस तरह से मैंने इसको ओपन किया, कोई ओपनर नहीं डाला, कुछ नहीं किया। जो आजकल चिपकाने वाला आता है फ्रेंड, वो सब बेकार चीज़ें होती हैं, कभी आप वो मत लेना जो चिपकाते हैं, वो उठाते हैं, दबाते हैं, उठाते हैं, वो सब चीज़ें फालतू की फ्रेंड, बेकार हैं। आप अपने हाथ से ही कारीगरी इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए अब मैंने यहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया, तो अब देखिए आपको एक ध्यान देना कि आपको, मैंने आपको कहा है कि डिस्प्ले जो होगी आपको यूँ नहीं उठानी है, कभी भी गलती से आईफोन 7 में स्क्रीन आप यूँ मत उठाना, हमेशा आपको स्क्रीन जो है कि नीचे पुश करनी है। ठीक है, नीचे पुश करके फिर यूँ खोलनी है। देखिए मैं दिखाता हूँ, याद मान लीजिए यहाँ से खुल चुका है, देखिए यहाँ से भी ये इसको मैंने यहाँ से खोल दिया है, फिर आपको ऊपर से भी यहाँ से खोलना है, तो वो देखिए यहाँ से क्योंकि सील्ड होते हैं तो इसलिए इसको यहाँ से भी आपको यूँ खोलना है। ठीक है, इस तरह से खोल दिया, तो अब देखिए तो आपको नीचे करना है, नीचे की साइड करना है, ध्यान से देखिए यूँ नीचे, यूँ ये नीचे। ठीक है, अब ये देखिए खुल गया यहाँ से, देखिए यहाँ से खुल गया ये, तो आपको क्या करना है, आपको यूँ नहीं उठाना है, आपको यूँ करना है ऐसे। ठीक है, यूँ करना है आपको, तो आप देख सकते हो इस तरह से, और यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो ये देखिए यहाँ पे आप केबल दिख रही होगी, देखिए ये हमारी केबल है जो हमारी डिस्प्ले की केबल है, टच की केबल है, यहाँ पे हमारा बैटरी कनेक्टर है जो लगा पड़ा है, बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पे हमारा फ्रंट कैमरे की केबल जा रही है, इधर अटैच हो रही है पूरी केबल है, यहाँ स्पीकर है हमारा, ये हमारा बैक कैमरा है, यहाँ पर हमारा जो मदरबोर्ड है पूरा ये, ठीक है, यहाँ पर हमारा वाईफाई का सेक्शन है, यहाँ हमारा पावर बटन और वॉल्यूम अप डाउन का सिस्टम है, ये हमारी बैटरी, यहाँ पर हमारा है वाइब्रेशन जो हमारा फ़ोन वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेटर है, यहाँ पर हमारे चार्जिंग का फ्लैक्स है, चार्जिंग पोर्ट जो हमारा होता है, और यहाँ पे है हमारा है रिंगर। ठीक है, ये रिंगर हो गया, और यहाँ पर जो चार्जिंग का कनेक्टर है फ्रेंड, का चार्जिंग कनेक्टर हमारा यहाँ नहीं है, यहाँ की बल्कि यहाँ दे रखा है, आईफोन 7 7 प्लस 8 प्लस 8 में सब में आपको चार्जिंग का फ्लैक्स आपको इधर ही मिलेगा, यहाँ फ्लैक्स हमारा यहाँ निकल के आ रहा है। इससे पहले मैंने फ्रेंड आईफोन पे 7 पे और 7 प्लस पे चार्जिंग पोर्ट कैसे चेंज करते हैं बना रखी वीडियो। ठीक है, तो इस तरह से ये है, तो आप देख सकते हो कि इस तरह से आईफोन 7 को हमने ओपन किया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम की होम बटन की।
तो होम बटन देखिए आपको क्या करना है, होम बटन गलती से भी अगर आप खोल रहे हो तो आप याद रखना फ्रेंड, कभी भी गलती से आप होम बटन को काट मत देना या कनेक्टर मत तोड़ देना, गलती से कट ना जाए आपसे या कुछ ख़राब ना हो जाए। मैं आपको बता रहा फ्रेंड, आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आपने गलती आपसे हो गई, अचानक से हो गई, तो ये होम बटन अगर एक बार ख़राब हो गया तो आप ये फिर इसके अंदर होम बटन कभी भी नहीं चलेगा। अगर आप दूसरे फ़ोन का भी होम बटन लगाओगे इसके अंदर तब भी ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। या फ्रेंड अगर आपको होम बटन, अगर यही होम बटन इसमें रहेगा तभी ये फ़ोन में वर्क करेगा, अगर आप दूसरे फ़ोन का होम बटन लगा दोगे तो ये फ़ोन में वर्क नहीं करेगा, क्लिक तक नहीं होगा। जैसे कि हम पिछले फ़ोन में आईफोन 6, 5s में हम किसी और का होम बटन लगाए तो चल जाता है, लेकिन उसमें फिंगर नहीं चलता। इसी तरह से इसमें सिस्टम दूसरा है, इसमें आप कोई और होम बटन लगाओगे तो वो भी वर्क नहीं करेगा। इसीलिए इस फ़ोन में अगर आपको ध्यान रखना, होम बटन कभी भी गलती से नुकसान ना हो जाए, ठीक है फ्रेंड। मैं आपको बता देता हूँ, यह बात ज़रूर आपको ध्यान रखनी है कि होम बटन आजकल सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें फिंगर हमारा होता है, फिंगर टच हमारा फ़ोन खुलता है। कभी भी अगर आपने गलती से पत्ता आपसे कट गया तो इसमें कोई सा भी होम बटन लगा लो फ्रेंड, कोई सा भी नहीं चलने वाला, वो नहीं वर्क करेगा, क्लिक तक नहीं होगा, ठीक है। आप ये बात याद रखना कि होम बटन हमेशा ध्यान रखना कि कटे ना, ठीक है। अगर दूसरे फ़ोन में हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस फ़ोनों के अंदर हम होम बटन को नहीं चेंज कर सकते। अगर ये गया तो सीधा खराबी है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बॉल से ही आपको काम करना पड़ेगा, हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा, ओके। तो ये थी फ्रेंड होम बटन की इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई है, होम बटन को आप ध्यान रखना, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आप इसकी डिस्प्ले को लेने जाते हो, ठीक है, डिस्प्ले अगर आप लेते हो फ्रेंड, डिस्प्ले लेते वक्त आपको ध्यान रखना कि आप होम बटन लगा के ही डिस्प्ले चेक करें, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर होम बटन लगा के फ्रेंड डिस्प्ले आप चेक करोगे तो फ़ोन जल्दी से ओपन हो जाता है। मतलब कि जब हम डिस्प्ले लगाते हैं, फ़ोन ऑन करते हैं, तो बिना होम बटन के स्विच वगैरह में जल्दी फ़ोन ऑन हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आप होम बटन लगाओगे तो 10-15 सेकंड में ही आपका फ़ोन डेस्कटॉप आ जाएगा। अगर होम बटन नहीं होगा उसके अंदर, आप बिना होम बटन के चेक करोगे तो आपका फ़ोन 5 मिनट तक का भी टाइम ले सकता है। इसलिए आपको वेट ना करना पड़े तो आप होम बटन लगा के ही फ़ोन को चेक करिए, क्योंकि उसके अंदर फिंगरप्रिंट भी होता है। अगर आप होम बटन के साथ अगर चेक करोगे तो आप फिंगरप्रिंट जरूर चेक कर लेना, कहीं ऐसा कहीं हो कि डिस्प्ले में जो सीट होती है फिंगरप्रिंट की वो ख़राब हो जाए, बाद में आप चलाओ चले ना। इसीलिए आप होम बटन लगा के ही इस फ़ोन को डिस्प्ले चेक करना, ठीक है। और आई होप फ्रेंड, देखिए अब मैंने आपको बताया कैसे इस फ़ोन को डिसेंबल करना होता है, आपको समझा दिया। और आपको अगर पैक करना है फ़ोन को, कनेक्टर लगा के आपको सिंपली आपको यूँ बंद करना है, ठीक है, यूँ। फिर आपको सीधा ऊपर से पुश करना है, ऊपर डाल के, ठीक है, ऊपर से ऐसे आपको डालना है, ठीक है, यहाँ दबा के यहाँ से उसको यूँ बिठा देना है, यहाँ से भी इसको यूँ बिठा देना है, ठीक है। तो आई होप आप फ्रेंड समझ गए होंगे कि आईफोन 7 में हमें कैसे खोलना है और इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है कि ये फ़ोन में नुकसान ना हो, और हमें होम बटन में क्या देखना पड़ेगा, डिस्प्ले में क्या देखना पड़ता है, ये सब मैंने आपको आज बता दिया है इस वीडियो में कि आप आईफोन 7 को किस सावधानी की तरह से इसको डिसेंबल कर सकते हो और रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो मेरे सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, और मुझसे वहाँ पे ऑनलाइन चैट भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड आज था मेरा वीडियो, मैंने आज को आपको आईफोन 7 के ऊपर बता दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आई हो तो फ्रेंड प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, और मुझे मुझसे जो पूछिए जिसके ऊपर वीडियो पूछिए मैं बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू।